और राजधानी भोपाल में साइबर ठगों ने ठगी का अब एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब ये साइबर जालसाज फेसबुक पर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा की फेक आईडी बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए पहले आईडी से लोगों का व्हाट्सएप नंबर लिया जा रहा है और फिर मैसेज कर बोला जा रहा है कि सीआरपीएफ के अधिकारी हमारे दोस्त हैं, उनका ट्रांसफर दूसरे राज्य में हो गया, इस कारण वो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते दामों में बेच रहे हैं और झांसे में आने वालों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जाती है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के नाम से 3 आईडी ब्लॉक कर दी, उसके बावजूद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर आपके पास भी ऐसे किसी अधिकारी के नाम से मैसेज आता है तो सतर्क हो जाइए, हम आपको बार बार एक खबर इसीलिए दिखाते हैं। ऑनलाइन ठगी के कई बार मामले आते हैं, रोज ही नए मामले आते हैं, नए तरीके के मामले आते हैं। इसमें साइबर ठग है जो कुछ दिन बाद अपनी तकनीक बदल लेते हैं और नए नाम से ठगते हैं, या फिर कई बार जो एजेंसी होती है हमारी पुलिस एजेंसी उनकी फ़ोटो लगाकर लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं, व्हाट्सएप से पैसे मांगे जाते हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है तो हमने इस संबंध में उसको संज्ञान में लिया है, जो आईडी ब्लॉक करा दी गई हैं। संभवतः आरोपी जो हम शीघ्र पकड़ लेंगे उसके बारे में कुछ हमें लिंकेज जानकारी मिली है और फिर बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उस संबंध में कार्रवाई करेंगे।